सम्मान संभालने वाला राष्ट्र को स्वतंत्र करा युवा ही था। हमारे नव युवक भी थे, आप लोगों ने करतार सिंह सराभा का नाम कितनों ने सुना है, करतार सिंह सराभा, तो बताइए कुछ उनके पीछे में बताना चाहेंगे आप? नहीं, 17 वर्ष में उन्हें फांसी की सजा दे दी गई थी। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, चंद्र सिंह, ये सब 20 वर्ष, 21 वर्ष, 22 वर्ष के नव युवक थे जो राष्ट्र के लिए लड़े और उन्होंने राष्ट्र के लिए स्वतंत्रता प्राप्त की। तो ये नव युवक ही है जो कि कोई भी कार्य अगर अपने कभी सीखता नहीं। इसीलिए विवेकानंद जी कहते थे कि मैं चाहता हूँ कि मेरे राष्ट्र के नव युवक वेद वेदांत न पढ़े बल्कि फुटबॉल जा करके वे फील्ड में स्वस्थ शरीर नहीं होगा तब तो आत्मा का विकास नहीं हो सकता, स्वस्थ मस्तिष्क का विकास नहीं हो सकता। इसलिए शारीरिक स्वास्थ्य आप सब लोगों के लिए बहुत आज का कार्यक्रम आपके आयोजित किया गया है। बड़े लोग तो आयोजकों में ही है, इसलिए आज हम बात करेंगे सिर्फ बच्चों से। तो बच्चों, आपने ये देख लिया कि आपके अंदर इतनी क्षमता है कि ऊर्जा से सूर्य देव भी ऊर्जित हो गए। जो सूर्य देव कहीं शक्ल नहीं दिखा रहे थे, आप लोगों ने दौड़ प्रारंभ की, वो उनमें इतनी ऊर्जा और सामने मेरे बालिकाएं ज्यादा दिख रही है, तो मैं बालिकाओं से जो मेरी इच्छा है वह यही है कि अगले वर्ष जब हमारी यह प्रतियोगिता हो तो वो विभिन्न वर्गों के न हो, पुरुष अलग और बालिका अलग न हो, हम अपने अंदर इतनी ऊर्जा जनित करें कि हम पुरुष वर्ग के साथ रहें। इसीलिए हम एक आप लोगों को कहानी छोटा सा सुनाना चाहते थे, रानी झांसी की रानी का। आप लोगों ने सभी ने सुभद्रा जी की वो कविता सुनी ही होगी, तो उनके अंदर एक वर्ग है, तो भी रानी मार काट कर चलती बड़ी सैन्य के पार, किंतु सामने नाला आया था यह संकट विषम अपार, घोड़ा अड़ा नया घोड़ा था इतने में आ गए सवार, रानी एक शत्रु बहुतेरे होने लगे वार पर वार, घायल होकर गिरी सिंधनी उसे वीर गति पानी की, तो आखिर रानी अकेले क्यों फंस गई सेना के पास। तो इसके लिए सैनिकों में बहुत ज्यादा, जब रानी घायल हुई और उनकी डेथ हो गई तो सैनिक लोगों ने जो उनके अंग रक्षक थे उन लोगों को बहुत प्रताड़ना देनी प्रारंभ की कि आखिर तुम लोग कहाँ थे कि तुम लोगों के रहते हुए और रानी अकेले फंस गए हो, तुम्हें रानी एक शत्रु होते रहे। तो वो अंग रक्षक कहने लगे कि जब कालपी में उनका घोड़ा गिरा है कि रानी वही कालपी आई, करतो मिल निरंतर पार, घोड़ा तक कर गिरा भूमि पर गया स्वर्ग सत्कार फिलहाल, यमुना तट पर अपने जोड़े फिर खाई रानी से हार, विजयी रानी आगे बढ़ गई किया ग्वालियर पर अधिकार। तो तब तक उनकी पूरी सेना थी ग्वालियर तक, लेकिन जब रानी अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंची है तो कोई भी उनके साथ नहीं था, तो उनके अंगरक्षकों ने यही कहा कि रानी नए घोड़े पे थी, हम तो सोच रहे थे कि नया घोड़ा लिए हुए है तो हम उनके साथ, लेकिन जब उन्होंने घोड़ा दौड़ाना शुरू किया तो हम सब उनसे कम से कम एक मील पीछे छूट गए, वो इतनी तेज दौड़ते थे। तो बालिकाओं, आप लोगों को इसीलिए बताना चाहती हूँ कि आपका लक्ष्य यही होना चाहिए कि जितने पुरुष हैं वह आपके आपसे कम से कम एक किलोमीटर पीछे छूटे। बोलिए बालिकाओं, यह दम रखती है अगले वर्ष हासिल करेंगी, तो अगले वर्ष चंद्रभूषण जी कोई प्रतियोगिता में वर्ग अलग मत कीजिएगा, सब ज्वाइन होंगे, कॉमन होंगे और उसमें हमारी बालिकाएं बालकों के साथ दौड़ेंगी और बालकों को हराएंगी। वही जो है ना कि आप उस काबिल बनिए जो फिर आपको झांसी की रानी की
ही सुना दो कि केवल बालिकाओं को नहीं बालकों को भी मैं यही कहना चाहूंगी कि देखिए राष्ट्र की कमान संभालने वाला, राष्ट्र को स्वतंत्र कराने वाला यह नवयुवक ही था। हमारे नवयुवक ही थे आप लोगों ने करतार सिंह सराभा का नाम कितनों ने सुना है, करतार सिंह सराभा। तो बताइए कुछ उनके पीछे में बताना चाहेंगे आप? नहीं, 17 वर्ष में उन्हें फांसी की सजा दे दी गई थी। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, ये सब 20 वर्ष, 21 वर्ष, 22 वर्ष के नवयुवक थे जो राष्ट्र के लिए लड़े और उन्होंने राष्ट्र के लिए स्वतंत्रता प्राप्त की। तो ये नवयुवक ही है जो कि कोई भी कार्य अगर अपने कंधों पे उठा ले तो वो कभी छूटता नहीं। इसीलिए विवेकानंद जी कहते थे कि मैं चाहता हूँ कि मेरे राष्ट्र के नवयुवक वेद वेदांत न पढ़े बल्कि फुटबॉल जाकर खेले, फील्ड में खेले, क्योंकि जब तक स्वस्थ शरीर नहीं होगा तब तक आत्मा का विकास नहीं हो सकता, स्वस्थ मस्तिष्क का विकास नहीं हो सकता। इसलिए शारीरिक स्वास्थ्य आप सब लोगों के लिए बहुत जरूरी है। दौड़ना सबसे अच्छा व्यायाम है, इसे कभी अपने जीवन से में छोड़िए नहीं, और हमेशा जो है इस दौड़ के जरिए अपने को दुनिया में नंबर वन रखिए। इसी शुभकामनाओं के साथ आज के गणतंत्र दिवस पर हम लोग जय